दोस्तों, आप सब ने अंतरिक्ष में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा, और यदि नहीं सुना है तो आइए ब्रीफ में समझते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह ही है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और मात्र 1.5 घंटे में ही यह पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। इस कारण यहाँ 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्री एक साथ रह सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन चूंकि किसी एक देश का नहीं है, बल्कि यह जापान, कनाडा, रूस, अमेरिका एवं यूरोप की स्पेस एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी से बना है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के साथ अन्य कई सैटेलाइट्स भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे में यह सवाल मन में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अन्य सैटेलाइट्स से क्यों नहीं टकराता है। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। पृथ्वी के बाहर 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं जिनमें उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पहली लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट एवं तीसरी हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर तक होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35000 किलोमीटर तक होती है, जबकि हाई अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई 35000 किलोमीटर से ऊपर होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस समय पृथ्वी के ऑर्बिट में लगभग 5000 कृत्रिम उपग्रह भी चक्कर लगा रहे होते हैं। इनमें से लगभग 63% उपग्रह पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। संभवतः सारे उपग्रह ऐसे प्रोजेक्टाइल पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं कि दुर्घटना की आशंका बहुत ही कम होती है। फिर भी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को स्पेस के कचरे एवं अन्य सैटेलाइट से टकराने से बचाने के लिए उपाय किया है। इसका उपाय स्पेस सर्विलांस नेटवर्क करता है। इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा सन 1950 में की गई थी। यह नेटवर्क अत्यंत आधुनिक सेंसरों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट में पड़ने वाले अन्य ऑब्जेक्ट्स की सूचना एक हफ्ते पहले ही दे देता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इसकी ऑर्बिट में आ जाता है जिससे इसको खतरा हो, तो इसमें लगे 8 थ्रस्टरों को नासा कोऑर्डिनेट करके एक साथ फायर करता है और संपूर्ण स्टेशन को इसके ऑर्बिट से हटा देता है। इस प्रकार यह स्पेस स्टेशन सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल माई माइंड क्रैक्स को।